दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोगों के हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आते हैं कि सिक्योर क्रेडिट कार्ड क्या होता है और अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड क्या होता है, सिक्योर क्रेडिट कार्ड एंड अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड में क्या क्या डिफरेंस होता है, सारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एंड हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड जो है वो बेस्ट है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि सिक्योर क्रेडिट कार्ड क्या होता है और अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सिक्योर क्रेडिट कार्ड ये होता है कि जिसकी सिक्योरिटी होती है, यानी कि जैसे कि सिक्योर लोन हो गए, सिक्योर लोन में आपको बता दें कि जैसे कि कार लोन हो गए, जिसकी सिक्योरिटी जो है बैंक के पास रहती है, यानी कि अगर आप ईएमआई को बाउंस वगैरह कर देते हो या बैंक को पेड ही नहीं करते हो तो बैंक जो है आपकी गाड़ी ले सकता है। अनसिक्योर लोन में जैसे कि कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, आपका गोल्ड लोन हो गया, ये रहता है। अनसिक्योर लोन की अगर बात करें तो इसमें क्या रहता है कि उसकी कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया और बाकी कंज्यूमर लोन वगैरह रहते हैं, वो लोन वहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के फिलहाल अभी क्रेडिट कार्ड है और उन लोगों को ये भी पता नहीं चलता है कि हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड है वो सिक्योर क्रेडिट कार्ड है या अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड है। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप सैलरी पर्सन हो, अगर आपकी कोई भी सैलरी आती है या अगर आपका बिजनेस है, अगर आप ITR फिलअप करते हो, जो भी बैंक को आप डॉक्यूमेंट्स इनकम प्रूफ दिखाते हो जैसे कि सैलरी स्लिप, या अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो अगर आप ITR फिलअप करते हो बैंक के पास, फिलअप यानी कि बैंक को दिखाते हो, तो बैंक आपको जो क्रेडिट कार्ड दे देता है वो अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड रहता है, उसकी कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती। एंड सिक्योर क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो बैंक के पास अगर आप FD के बेस पे क्रेडिट कार्ड लेते हो, जैसे कि FD के बेस पे आप क्रेडिट कार्ड किस तरह से लेते हो इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह बना दी है, उस वीडियो का जो लिंक है यहाँ पे आपको आई बटन मिल जाएगा, तो वीडियो भी आप देख सकते हो। अनसिक्योर जो क्रेडिट कार्ड रहते हैं, जब भी आप बैंक के पास ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए जाते हो तो बैंक आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं पूछता, बिना इनकम प्रूफ के ये क्रेडिट कार्ड बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है, यानी कि बैंक को आपको कुछ अमाउंट पेड करना पड़ता है, जैसे कि 10,000 रुपीज़ या कई बैंक जो है 20,000 रुपीज़, अगर आप मिनिमम 20,000 रुपीज़ की FD करते हो तो उसका 80% या 85% आपको लिमिट प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि आपको पता है। कई बैंक जो है ऑनलाइन ही FD के बेस पे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि ICICI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, या फिलहाल अभी पैसा बाजार ने SBI के साथ टाइप करके एक नया क्रेडिट कार्ड स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, उसका भी हमने लाइव वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया है कल की डेट में, उस वीडियो का जो लिंक है यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो फिलहाल आपको बता दें कि अगर आप अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पे आपके लिए ये बेनिफिट होता है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो एक अच्छा खासा बन जाता है। अगर आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है तो आप अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड की तरफ जा सकते हो, बैंक के पास आप FD कीजिए, उसके बेस पे आपको बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देगा। डिफरेंस यानी कोई भी नहीं है, जिसकी सिक्योरिटी होती है वो सिक्योर क्रेडिट कार्ड रहता है और जिसकी कोई भी सिक्योरिटी नहीं रही होती है वो अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड रहता है, ये कुछ डिफरेंस है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।